Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi guys, B-TownHub में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल रिलीज होने वाली फिल्म सैटेलाइट शंकर के डे वन के प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल B-TownHub को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट शंकर फिल्म को डायरेक्ट किया है इरफान कमल ने और सैटेलाइट शंकर में हमें सूरज पंचोली और मेघा आकाश देखने को मिलेगी। सूरज पंचोली का इस फिल्म में नाम होगा शंकर। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मेघा आकाश इससे पहले हमें हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म में दिखाई दे चुकी है। दोस्तों, सैटेलाइट शंकर फिल्म में सूरज पंचोली सोल्जर का रोल करते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म में सलमान खान का भी एक छोटा सा कैमियो रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सैटेलाइट शंकर फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 20 करोड़ बताया जा रहा है और ये फिल्म इंडिया में 1100 स्क्रीन में रिलीज होगी 8 नवंबर को। और इस फिल्म का क्लेश है बाला फिल्म के साथ, जो कि आज के दिन रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म में लीड रोल में हमें आयुष्मान खुराना दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सैटेलाइट शंकर फिल्म देशभक्ति पर आधारित है और इस फिल्म का ट्रेलर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हो चुका है और दर्शकों को बहुत ही पसंद आया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सैटेलाइट शंकर फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 25 करोड़ का कलेक्शन करना है अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि इस फिल्म का बजट 20 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डे वन के प्रेडिक्शन के बारे में। अगर ये फिल्म कम से कम कल के दिन 5-6 करोड़ कमा लेती है तो ये फिल्म हिट हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल B-TownHub को सब्सक्राइब करना ना भूलें।